गांव की, जहां बस्तर का हरा सोना माने जाने वाला तेंदुपत्ते की संग्रहण का काम शुरू हो गया है, जिसके इलाके में उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग सुबह से ही जंगल की ओर रुख कर लेते हैं और काम में जुट जाते हैं। राज्य के वन मंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए संग्रहण के दौरान मास्क पहनकर एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें और काम करें। लघु वनोपज समिति के जरिए 4000 रुपए मास्क बुरा की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी हो रही है। इस तरह कोंडा गांव में ग्रामीणों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता खिरेंद्र यादव जुड़ गए हैं। खिरेंद्र, मास्क पहनने के निर्देश तो जारी कर दिए हैं, क्या मास्क उनको प्रोवाइड किया गया है? देखिए, मास्क तो समिति वाले पहने थे, लेकिन ग्रामीणों को दिया गया है या नहीं दिया गया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन तो समिति जो क्रय करता है उनको दिया गया है। जी, और वहाँ पर ये जो तस्वीरें आई हैं सामने, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मास्क नहीं लगाया है, तो एक बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं। जी, ये सही है आपका कहना कि बहुत से ग्रामीण ऐसे थे कि जो मास्क नहीं लगाए हुए थे, उनसे हमने जब इस बारे में चर्चा किया तो उनका कहना था कि नहीं, हमें पंचायत स्तर पर किसी प्रकार की मास्क की वितरण नहीं की गई है, इस कारण हमने कपड़ों का ही सहारा लेकर चल रहे हैं, बोले। जी, किरण, तो वहाँ पर तेंदुपत्ता की आयात कितनी है? इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन चलिए किरण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोंडा गांव की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ मजदूरों ने यहां पर मास्क तो लगाया है, पर कुछ उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो भी रहा है या नहीं इसका भी अभी तक कुछ अता पता नहीं है। आपको बता दें कि इनको मास्क लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। और अब हमारे साथ में एसयू हैं कुंटे जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्वराज एक्सप्रेस पे। हाँ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कुंटे जी? हाँ पहुंच रही है। बहुत स्वागत है सर स्वराज एक्सप्रेस पे, बोलिए। कोंडा गांव से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां मजदूर तेंदुपत्ते का काम कर रहे हैं, इनको मास्क लगाने के सख्त निर्देश तो जारी किए गए हैं, पर आप हाँ। जानना चाहूंगी क्या इनको अभी तक मास्क प्रोवाइड किए गए हैं? हाँ जी, सबको मास्क प्रोवाइड किया गया है, और बहुत सारे फोटोग्राफ्स जो है हमारे फड़ों में जो संग्राहक लेके आ रहे हैं वो स्वतः मास्क लगाए हुए हैं। आपको मैं फोटो उपलब्ध करा सकता हूँ जी, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी जी हम लोगों के द्वारा जो है पालन कराया जा रहा है। हर फड़ में सैनिटाइजर रखी हुई है, हर फड़ में बाल्टी, मग्गा, साबुन, हाथ धुलाने का भी काम हो रहा है। जी कुंटे जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनको मास्क प्रोवाइड किया गया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि कई सारे मास्क ऐसे हैं जो हम रोज यूज कर सकते हैं, कुछ मास्क ऐसे हैं जो हम सिर्फ वन टाइम यूज के लिए होते हैं, तो किस तरह से मास्क इनको प्रोवाइड किए गए, मैं चाहूंगी कि उस बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। हमारा जो मास्क है कपड़े का मास्क है जी, और रोज रोज उपयोग करने के बाद रात में साबुन से डिटॉल मिला के डिटॉल के घोल में साबुन से धोकर सुखाने का सबको निर्देश दिया हुआ है, और फिर दूसरे दिन उसको उपयोग करें, ऐसा सबको हिदायत है। जी कुंडे जी, और क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि मैं तस्वीरों पे देख पा रही हूँ कि मास्क तो लगाया गया है पर हाथों में ग्लव्स नहीं है। आपको नहीं लगता कि जब काम करते हैं मजदूर तो हाथ यहाँ वहाँ टच होते हैं, जिससे वायरस फैलने का खतरा कई ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों को मास्क के साथ साथ ग्लव्स भी पहनना चाहिए? हाँ, ग्लव्स पहनना चाहिए। एक्चुअल में ये जो ग्लव्स का निर्देश आया, और हमारा जो है टाइम
स्टार्ट हो गया था इतनी मात्रा में लॉकडाउन के कारण, इतनी मात्रा में ग्लव्स जो है जी हम लोग को मिल नहीं पाया है जी। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं, न केवल तेंदुपत्ता और भी लघु वनोपज का सतत संग्रहण हमारे जो है समूहों के द्वारा, हमारे संग्राहकों के द्वारा की जा रही है, तो उनको हम जो है ग्लव्स उपलब्ध करा पाए। हम लोग को फर्स्ट टाइम में मतलब शुरुआत में 500 ग्लव्स जो है व्यक्तिगत प्रयास करने से जी रायपुर से मिल पाया। तो हम लोग उस ग्लव्स को जो हमारे लघु अनुपज संग्रहण में जो महिला समूह लगे हुए हैं, उसके उपचारण में जो महिला समूह लगे हुए हैं, उनको सिर का जो टोपी है जी मेडिकल टोपी जी, वो और ये दस्ताना हम लोगों ने उपलब्ध कराया है जी। करीब करीब 40,000 परिवार तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़ा हुआ है जी। इनको एट ए टाइम दस्ताना निर्देश तो है, लेकिन तत्काल दस्ताना उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाया है जी। लेकिन कालांतर में इनको निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगा, जिसका उपयोग अन्य लघु वनोपज के संग्रहण के दौरान ये लोग कर सकेंगे जी। बिल्कुल खोटे जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों को ग्लव्स प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि जो देश के हालात है उससे मैं और आप काफी अच्छे से वाकिफ है। चलिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब खबर बालाघाट।